चौबट्टा खाल के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एक साथ कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ डिग्री कॉलेज टीचर्स की कमी झेल रहा है तो दूसरी तरफ भवनों का निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जिससे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री में तो आ गए हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तीन सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं है। यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी है, वो चीज पूरी मात्रा में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स में देख रहा था तो फिजिक्स के यहाँ पे प्राचार्य नहीं है या इंग्लिश के भी नहीं है ना। चौबट्टा खाल डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण को लेकर 4 साल पहले शासन से करीब 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए थे, जिसके निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम धुड़दौड़ी को सौंपा गया था, लेकिन 4 साल बाद भी भवनों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। निर्माण के नाम पर कार्यदायी संस्था ने कुछ भवनों का निर्माण तो किया, लेकिन कई भवनों का निर्माण कार्य अभी होना बाकी है। हमारे यहाँ समस्या मुख्य है, जो महाविद्यालय में निर्माणाधीन बिल्डिंग हो गई, ऊपर भी नवनिर्मित बिल्डिंग है, आदि निर्माणाधीन है, तो ये भी शासन द्वारा महाविद्यालय को हस्तगत नहीं की गई है। पहाड़ के युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से डिग्री कॉलेज को बनाया गया, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्वत रावत, TV 100, चौबट्टा खाल।